जय नमस्कार साथियों। तो भाई रिजल्ट का इंतजार हो रहा है काफी बच्चों को और बार बार साइट को खोल के देख रहे हैं। कई बार साइट हैंग हो रही है, कई बार ओपन हो रहा है, कई बार ओपन नहीं हो रहा है। कल भी दिल्ली का जो रिजल्ट आया था और आज जो रिजल्ट आया हरियाणा जो है कुछ डिस्ट्रिक्ट का, अभी कल जो रिजल्ट आने वाला है मतलब इसके बाद में जो रिजल्ट आएगा हो सकता है आज रात को आ जाए या फिर मंडे आपका रिजल्ट आ जाए, वो आएगा राजस्थान का। तो अभी जो सीटें आ रही है, सीटें कितने किस हिसाब से आ रही है और क्या कैलकुलेशन निकाली जा रही है। एक बच्चे ने मेरे को मैसेज किया था कि सर इनका टोटल कैलकुलेशन अगर हम निकालें जो अपने पेपर में पास है उसके फिर फिजिकल पास है ऐसे करके 8 गुना करके उसने कुछ कैलकुलेशन निकाल के मेरे को बताया था। बोला सर इतनी सीटें आएगी मतलब राजस्थान में जोधपुर यारो की लगभग 800 प्लस सीटें आने वाली है। मैं यार इतनी तो कभी हो ही नहीं सकता कि इतनी सीटें आए। बोला सर आप पीछे वाला देखिए, हम श्रीनगर वाला उसने कैलकुलेशन निकाला और ट्रेडमैन का कैलकुलेशन निकाला प्लस टेक्निकल वाले बच्चों का कैलकुलेशन निकाला। बोला सर इस हिसाब से अगर कैलकुलेशन निकालेंगे तो राजस्थान की ऑलमोस्ट जोधपुर एआरओ की और बाकी जितने भी एआरओ के मतलब 8 गुना करके कि मतलब पेपर में पास हुए प्लस फिजिकल में पास हुए जितने बच्चे पास हुए उनका किस हिसाब से निकाला। तो मेरे को भी समझ नहीं आया, मैं यार ये क्या चीज है, किस हिसाब से इतनी सीटें आ सकती है। मुझे नहीं लगता कि इतनी सीटें आएगी। सीटें जो कैलकुलेशन रहता है वो आपकी जनसंख्या घनत्व के अकॉर्डिंग रहता है। मतलब ऐसे नहीं है कि राजस्थान बहुत बड़ा एरिया तो इसमें बहुत ज्यादा सीटें आएंगी, ऐसा नहीं है। आपका जनसंख्या का घनत्व कितना है, आपके डिस्ट्रिक्ट आपके एआरओ के अंडर जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं उन डिस्ट्रिक्ट में पब्लिक की जो जनसंख्या कितनी ज्यादा है उसके ऊपर जो है डिमांड करता है। हिसार की जो आई है जीडी की हम बात करेंगे, स्पेशली टेक्निकल और ट्रेडमैन आप देख लेना और लगभग सभी बच्चों ने देख लिया जीडी में। कल आपने परसों देखा था श्रीनगर वाला, श्रीनगर में 237 सीट श्रीनगर की आई थी, फिरोजपुर की 536 आई थी, उसके कैलकुलेशन के अनुसार बोला ये 8 गुना करके आ रही है। जो आज रिजल्ट आया है वो हरियाणा का आया है, हरियाणा में हिसार, रोहतक और पालमपुर, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट का जो है रिजल्ट आया है, जिसमें हिसार के अंदर 337 बच्चे इन्होंने जीडी में लिए हैं। जीडी में मतलब अब टेक्निकल और ट्रेडमैन को साइड में निकालते हैं, उनको प्लस कर लेना आप कितने ऑलमोस्ट हो रहे हैं, 550 हो रहे हैं या फिर 450 हो रहे हैं। रोहतक के अंदर 310 बच्चे उन्होंने जीडी के अंदर लिए हैं और पालमपुर में सबसे ज्यादा 579 बच्चे जीडी में पास हुए। तो ये कैलकुलेशन निकाल के अगर आप देख लो किस हिसाब से हो रहे हैं। अभी राजस्थान में जैसे जोधपुर एआरओ है, जोधपुर एआरओ नेक्स्ट अभी ऊपर से चलते हुए आ रहे हैं, श्रीनगर का आ गया, पंजाब का आ गया, फिरोजपुर का आ गया, अभी दिल्ली का आ गया, अभी हरियाणा का आ गया, मतलब नेक्स्ट रिजल्ट आपका राजस्थान वाले बच्चों का आने वाला है। तो अपने दिल थाम के बैठे जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि मेरा रिजल्ट आएगा। और जो बीच बीच में बहुत सारे यूट्यूबर्स भी चीज को बोल रहे हैं कि रिजल्ट बहुत तगड़ा आने वाला है, इतनी ज्यादा सीटें आने वाली है, पिछली बार भी हमने कैलकुलेशन लगाया था, लेकिन इस बार भी मैं आपको बता दूं आपकी राजस्थान की जो जोधपुर एआरओ स्पेशली जैसे जयपुर आरओ और झुंझुनू एआरओ की इन सब का रिजल्ट तो जब इनका जनवरी में फिजिकल होगा उसके बाद में ही आ पाएगा। अभी जिन्होंने दिया है जैसे कोटा है और ये जोधपुर एआरओ है, इनका रिजल्ट जोधपुर एआरओ की लगभग सीटें आपकी 240 और 245 के समथिंग। अब ये मान के चले मेरे अनुमान के अकॉर्डिंग और मेरे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आपकी सीटें आने वाली 245-240 के लगभग। अब डिपेंड करता है कि मेरिट कितनी जा रही है, कितने लोग पास होने वाले हैं, कौन कौन बच्चे पास होने वाले हैं और पीछे का कैलकुलेशन बच्चे निकाल रहे हैं कि सर इतने पेपर में पास किए थे उसके अकॉर्डिंग इन्होंने इतने ज्यादा बच्चे यहाँ पे ले लिए। तो भाई यहाँ पे जोधपुर एआरओ के अंदर लगभग 900 बच्चे मेडिकल फिट हो चुके हैं, 900 प्लस बच्चे जो है मेडिकल फिट हैं और वो भर्ती का रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। तो भाई उन सब का लगभग मैं आपको बता दूं 245 या 250 के समथिंग आपकी सीटें आने वाली है जो आपकी जनसंख्या का घनत्व है उसके अकॉर्डिंग। इससे बहुत ज्यादा आ जाती है कोई करिश्मा हो जाए तो बात अलग है। बाकी आप ये मान के चले जो ट्रेनिंग सेंटर है नवम्बर के अंदर अग्निवीर का जो बैच जाएगा जिसकी ट्रेनिंग होने वाली है उसकी कैपेसिटी इतनी है, उसी हिसाब से कैलकुलेशन करके उन्होंने डिवाइडेशन किया हुआ है जैसे पिछली भर्तियों के अंदर किया था। पिछली भर्ती के अंदर भी नवंबर में जो बच्चे गए थे ऑलमोस्ट इतने ही बच्चे गए थे। जैसे राजस्थान में सबसे ज्यादा घनत्व है झुंझुनू एआरओ को, झुंझुनू एआरओ में पिछली बार भी 500 प्लस सीटें आई थी जीडी की। तो उस हिसाब से राजस्थान में सबसे ज्यादा जो घनत्व है घनत्व के अकॉर्डिंग उसमें 5 डिस्ट्रिक्ट है और वो भी बड़े बड़े जिनके अंदर जनसंख्या घनत्व ज्यादा है।
जोधपुर एआरओ के अंदर नागौर है, जैसलमेर है, जोधपुर है, इन सब का घन तो बहुत कम है। जैसलमेर क्या है, वहां पे टिब्बे आप काउंट करोगे? जनसंख्या है नहीं, आपके बच्चे है नहीं, तो फिर जनसंख्या घन तो अकॉर्डिंग आपकी जो सीटें हैं ऑलमोस्ट है, मेरे अकॉर्डिंग 240 या 245 या 250 तक आ जाए, इतनी सीटें आने वाली है। इनमें से लगभग 105-6 बच्चे हैं जो एक्सीलेंट वाले हैं, जिनके ग्राउंड के 100 नंबर है, और जिन्होंने पेपर में 35 क्वेश्चन किए हैं वो 170 का स्कोर उन्होंने टच कर लिया। तो मेरे अकॉर्डिंग जो अगर 245 सीटें आ रही है तो 100 सीटें वो हो गई, एनसीसी वाले बच्चे हैं 50 समथिंग वो हो जाएंगे, बी वाले होंगे और सी वाले होंगे वो सारे के सारे निकल जाएंगे, रिलेशन वाले होंगे कुछ बच्चे वो भी आपकी सीटें खा जाएंगे, कुछ बच्चे बहुत तेज और टैलेंटेड होंगे जिन्होंने पेपर में बहुत अच्छा किया हुआ है और फिजिकल में 88 जिन बच्चों का नंबर है, हो सकता है एक्सीलेंट वाले थोड़े से नीचे आ जाए, एक आधा पुलअप कुछ बच्चों ने कम मारा होगा, तो उस हिसाब से कैलकुलेशन निकाल के आपकी जो मेरिट जाने वाली है वो जाने वाली है पहले मैंने बोला था 68, मेरे हिसाब से लगभग 66 या 68 ये मान लें, और इससे 172 तक इतनी जा सकते हैं, फिर कास्ट वाइज जो सीटें आती है उसके अकॉर्डिंग सीटें आएगी। तो भाई अपना दिल थाम के बैठे, जब भी रिजल्ट आएगा मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी डिटेल जानकारी इस वीडियो में अगले जो भी वीडियो हम बनाने वाले उसमें आपको दे दूंगा। जय हिंद, जय भारत।